10 मार्च को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने स्थानीय डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों विधानसभाओं की मतगणना कार्मिक व प्रत्याशियों की अभिकर्ता अलग अलग मार्गों से मतगणना कक्ष में प्रवेश करेंगे तथा मतगणना कक्ष तक ईवीएम लाने व ले जाने हेतु अलग से मार्ग बनाए जाए ताकि संचरण में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने पाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाए, जनता डिग्री कॉलेज चौराहा से भीतर प्रवेश नहीं करेगी तथा मतगणना कार्मिक व अभिकर्ताओं की चेकिंग प्रवेश से पूर्व मेटल डिटेक्टर के माध्यम से की जाएगी। साथ ही मतगणना कार्मिकों व अभिकर्ताओं के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होगा, कोई मोबाइल लाता है तो गेट पर जमा करना होगा। मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी मोबाइल का प्रयोग सिर्फ मीडिया सेंटर के भीतर ही कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों आरओ को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विधानसभाओं की मतगणना हेतु पर्याप्त कार्मिक लगाएं, साथ ही मतगणना कक्ष तक ईवीएम लाने व ले जाने के साथ ही ईवीएम सीलिंग करने हेतु भी कार्मिकों की तैनाती करें तथा उन्हें पास भी जारी करें। उन्होंने मतगणना कक्षों के निरीक्षण के दौरान उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा अतिरिक्त कंप्यूटर व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नोडल बैरिकेटिंग व्यवस्था को निर्देश दिए कि वे सभी प्रवेश मार्गों पर साइनेज लगाने के साथ ही मीडिया सेंटर में पेयजल व्यवस्था तथा परिसर में कार्मिकों हेतु पेयजल कैंपर लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्ष की मतगणना की वीडियोग्राफी होगी तथा स्ट्रांग रूम खोलने एवं सीलिंग की भी वीडियोग्राफी कराने के निर्देश नोडल वीडियोग्राफी को दिए गए, जिस हेतु 10 वीडियोग्राफर लगाने के निर्देश मौके पर दिए गए। उन्होंने दोनों आरओ को निर्देश दिए कि पोस्टल बैलेट एवं एटीपीबीएस की गणना बहुत सावधानी पूर्वक कराएं तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भलीभांति पालन किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना होने के उपरांत सीलिंग कर सभी ईवीएम को वेयर हाउस में सुरक्षित रखने हेतु वाहनों एवं कार्मिकों को तैनात करने के निर्देश सहायक निर्वाचन अधिकारी को दिए। उन्होंने सुचारू विद्युत व्यवस्था हेतु जनरेटर लगाने के भी निर्देश दिए। आज हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है और दोनों विधानसभाओं में जो काउंटिंग की जो व्यवस्था होनी है, साथ साथ ही जो हमारा मीडिया सेंटर बनना है, पार्किंग के अरेंजमेंट्स होने हैं, ये जो हमारे पब्लिक कम्युनिकेशन रूम जो बनना है, ये सारी व्यवस्था का जो है जायजा जो हमने यहाँ पे आके लिया है और लगभग हमारी जो है कंप्लीट तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक सिर्फ जो फाइनल जो टच जिसे कहते हैं देना, वो अभी चल रहा है और ऑलरेडी मैंने डायरेक्शंस इशू कर दिए कि जो छोटी छोटी जो कमियां यहां पे पाई गई उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।